आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि एक रेलवे फ्लेट कार है जिसके ऊपर एक आर्टिलरी गन है, उसको इंस्टॉल कर रखा है। और बोला गया है कि उनके पास जो रेलवे फ्लेट कार है उसका जो कंबाइंड मास उसके कैपिटल एम है, और वो इनिशियली क्या कर रहा है, किसी वेलोसिटी कैपिटल वी से मोशन कर रहा है। अब बोला गया कि जो बैरल में गन है, ठीक है, उसने क्या कर रखा है, अपने पास अल्फा एंगल बना रखा है हॉरिजॉन्टल से, और जो उसके अंदर जो मास है शेल में वो कितना मास है, वो स्मॉल एम है। बोला गया कि जब भी अपने पास गन होती है उस बैरल को लीव करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्मॉल वी होती है, किसके रिलेटिव में, बैरल के रिलेटिव में। तो अपने को बोला गया कि जो अपने पास गन होगी उसके निकलने के बाद में क्या होता है, जो फ्लैट कार होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी फायरिंग के बाद में। तो अपने को जो फ्लैट कार की स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को अपने आप पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने पास यहाँ पे कि एक फ्लैट कार है अपने पास यहाँ पे, ये कोई पास यहाँ पे एक फ्लैट कार है जिसका मास अपने कितना देर का है, कैपिटल एम गिवन है। और उसके ऊपर अपने पास बोला कि एक जो यहाँ पे जो बैरल लो फिट करके है उसका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, वो कुछ अल्फा एंगल अपने को यहाँ से गिवन है, ये एंगल है जो हॉरिजॉन्टल से वो अल्फा एंगल गिवन है। और उसमें जो बैरल में गन है उसका मास कितना है, स्मॉल एम है। इनिशियली क्या इनका कंडीशन, ये किसी कैपिटल वी वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। अब जैसे क्या हुआ अपने पास यहाँ से बैरल से जैसे गन को लीव किया तब क्या कंडीशन बन जाएगी उनके पास यहाँ पे, ये बोला गया कि उनके पास जो आर्टिलरी जो वेन थी, ठीक है, जिसका मास कैपिटल एम था, वो क्या हो जाएगी, अपने स्थान पे रुक जाएगी, ठीक है, कैपिटल एम है। उसकी जो नई वेलोसिटी आएगी वी, वो क्या जाएगी, जीरो है, अपने स्थान पे रुक जाएगी, ठीक है। और अपने को बोला गया यहाँ पे कि जो गन है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या है, वी है, यहाँ पे अपने गिवन स्मॉल वी, तो उसकी इस डायरेक्शन वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी। ये एंगल क्या अपने पास यहाँ पे अल्फा से कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया तो पास क्या आ जाएगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा वी कोस अल्फा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा वी साइन अल्फा अपने पास आएगा। और उसका जो मास होगा वो क्या होगा अपने पास यहाँ पे, एम होगा, मतलब इसका जो मास होगा वो क्या, वो स्मॉल एम है, तो ये स्मॉल एम मास हो गया, इधर इसका मोमेंटम आएगा एम वी कोस अल्फा, ऊपर की तरफ जो मोमेंटम आएगा एम वी साइन अल्फा। अब अपने को पता है कि अपने पास जो पूरी सिचुएशन है उसमें एक्स डायरेक्शन में, अगर मैं इस डायरेक्शन को बोलता हूँ वही एक्स डायरेक्शन, तो जो एक्स डायरेक्शन है उसके अलोंग में कोई भी अपने पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो अपने पास क्या होगा, जो एक्स डायरेक्शन होगा उसमें मोमेंटम कंजर्व होगा। मैं लिखूंगा नो एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स इज अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस, सो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग में मोमेंटम कंजर्वेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, जो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम आएगा वो क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो इनिशियल में क्या है मेरे पास यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम, सारा मास कंबाइंड मास इसमें कर रहा है, वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो मेरे पास हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी, ये क्या जाएगा मेरे पास यहाँ पे पी इनिशियल आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम की बात करूँगा, फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे कि जो ये जो हमारे पास एम है ये तो रुक गया है, मतलब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू जीरो प्लस ये मेरे पास क्या है, जो गन है उसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से जो निकली हुआ है एम वी कोज अल्फा, तो हो जाएगा ये स्मॉल एम स्मॉल वी कोस ऑफ अल्फा, ये मेरे पास आएगा फाइनल मोमेंटम जिसको मैं बोलूँगा पी एफ। तो यहाँ से मैं मोमेंटम कंजर्व करा दूंगा, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के इक्वल रख दूंगा, मेरे पास क्या जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल वी कोस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, अपने को यहाँ से क्वेश्चन में अपने को फाइंड आउट करना था
वो था अपने पास यहाँ पे कि जो कैपिटल वी होगी उसकी और क्या होगी, तो कैपिटल वी आ जाएगा, हो जाएगा स्मॉल एम स्मॉल वी कोस अल्फा डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। और अगर अपन यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे कि मेरे पास जो आर्टिलरी जो वेन है यहाँ पे जो कार्ट उसकी स्पीड बोला था कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी उनके पास यहाँ पे स्मॉल एम स्मॉल वी कोस अल्फा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा उस क्वेश्चन का अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।